अपने एक दिवसीय दौरे पर बक्सर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सह बक्सर सांसद अश्विनी कुमार चौबे, उन्होंने गौरीशंकर मंदिर प्रांगण में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन कार्डधारियों के बीच मुफ्त राशन का वितरण किया। कार्यक्रम के दौरान मौके पर संसद में लोगों से पूछा कि उन्हें मुफ्त अनाज मिल रहा है। वहां मौजूद लोगों ने राशन कार्ड नहीं बनने की बात बताई। मंत्री ने तुरंत ही मार्केटिंग ऑफिसर को भरी सभा में ये कहा कि जिन जगहों पर राशन कार्ड नहीं बना है वहां कैंप लगाकर राशन कार्ड बनवाने का काम करें। भाई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के अंदर सभी 80 करोड़ ऐसे जो लाभुक हैं उनको हमने पिछले 2020 के इस महामारी में जितने भी मजदूर वर्ग के लोग बाहर के हों, प्रवासी हों, उन सब लोगों को 9 महीने तक 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं अलग से हर एक मेंबर को, हर एक सदस्य को ये मुफ्त रूप से अनाज दिया जा रहा है। पिछले बार हम लोगों ने दाल भी एक एक किलो या चना भी दिया था। इस बार पुनः उसी तर्ज पर अप्रैल 2021 से और नवंबर दिवाली और छठ तक हम लोग 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं प्रत्येक सदस्य को देने जा रहे हैं। एक और प्रसन्नता की बात है कि मुफ्त में ये राशन दिया जा रहा है। उसके अलावा जो राशन वितरण से मिलता है वो मिलता ही रहेगा। हमने चौबे ने कहा कि अपने संसदीय क्षेत्र के लिए पहला पायलट प्रोजेक्ट साइलो भंडार गोदाम जिले के गाड़ी प्रखंड और कैमूर के मोहनिया तथा रोहतास में बनने जा रहा है, जिसके अंदर अनाज का भंडारण होगा। इस गोदाम के निर्माण से किसानों को काफी फायदा होगा। लोग कहीं भी रहेगा, गुवाहाटी में भी, तो परिवार के यहाँ राशन उठाएंगे और वहाँ भी राशन, ये डिजिटलाइज हम लोगों ने कर दिया है। इसका लाभ, बहुत बड़ा लाभ आज लाखों करोड़ों गरीबों को मिल रहा है। साथ ही हमने बक्सर के लिए और अपने संसदीय क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि 12,500 मैट्रिक टन का सैलो भंडार अत्याधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो बक्सर में पायलट प्रोजेक्ट रूप में शुरू होगा। उसके अलावा कैमूर में भी अपने क्षेत्र में और रोहतास में भी हम करने जा रहे हैं। तो एक बड़ी योजना है, 50,000 मैट्रिक टन गेहूं का भी रहेगा। ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। ये पायलट प्रोजेक्ट पूरे, अगर जैसे सफल होगा तो पूरे राज्य में और पूरे देश में ये प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा हमने पहल किया, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ये हमें मिला है। इसके लिए पूरी बक्सर की जनता की ओर से, पूरे बक्सर संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई भी देते हैं और जनता का आशीर्वाद उनके साथ है, आगे भी बना। सांसद अश्विनी चौबे के बयान देने के दौरान एक अजीबोगरीब घटनाक्रम देखने को मिला, जहां बक्सर सदर से पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे परशुराम चतुर्वेदी, जो किसी न किसी कारण से चर्चा में आते रहते हैं, उन्होंने अपने ही कार्यकर्ता भरत प्रधान को धकियाते नजर आए। ये फोटो खिंचाने के होड़ मची थी, क्या मामला था वहाँ पे? अरे मामला ऐसे बोल जेठ है, उसको बुझाया नहीं तो क्या हम बताएं आपको, क्या हुआ था क्या? अरे कुछ नहीं हुआ था, उसका आदत है भाई, क्या बताएं। नेता बनता है, लोग देख लीजिए कि जनता क्या, अब हम आपसे क्या पुराने कार्यकर्ताओं की सम्मान नहीं है क्या? नहीं, पुराने कार्यकर्ताओं, हम लोग प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, किसी से एठी नहीं करते हैं, बड़ों को हम सम्मान देते हैं। आपको धकियाते नजर आए, देखा गया कि वहाँ फोटो खींचाने के चक्कर में? हम बड़ों को सम्मान देते हैं। वहाँ देखा गया कि धकियाते हुए नजर आए विधायक? वैसा आप लोग बड़े वो लोग जानते हैं कि हम प्रत्याशी हैं, तो सब कुछ हम ही जनता देख रही है, सारा मीडिया है कि सब कुछ, वो लोगों को बुझाता नहीं है कि इसी में वो लोग क्या मैंने देते हैं। उन लोगों को खुद सर मानना चाहिए, बलजेटों को, लोग प्रदेश कार्यकारिणी के बड़े नेता से क्या बोलेंगे, बड़ों को अपने से सर मानना चाहिए। हालांकि इस घटना के बाद जिले और कार्यकर्ताओं में चर्चा का बाजार गर्म है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय की रिपोर्ट।